हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लाविस वर्ल्ड। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, आज है हमारे गुरुजी का प्रकट दिवस, तो आप सब आ गए हैं। यहाँ पर भाई भी आ गए हैं और मंत्रा की मम्मी आ रही है और यहाँ मोनिका भी आई है और मेरी सास अभी आने वाली है, बच्चे शायद, और इनके घर में भी आज क्या है, लोखी पूजा है। आपने मेरे पिछले भी लोगों में देखा होगा, कभी पिछले साल लोखी पूजा है आज, तो आज के दिन लोखी पूजा भी है, तो वो हम करते हैं, भोग लगाएंगे। जोत तो जली रही है जैसा कि आपको पता है, तो थोड़ी आज अच्छे से आरती भी करेंगे। गाइस देखो, बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, अपने में मगन है। जस्टिन आज फुल फॉर्म में आया है, ब्लैक, इसलिए मैंने ब्लैक नहीं पहना, मैं ब्लैक पहन रहा था इसलिए मैंने पहना नहीं, मैचिंग हो जाता पहनने, मेरे नंबर कम हो जाते फिर, जस्टिन काट देता मेरे नंबर, इसलिए मैंने पैंट शर्ट पहन लिया। और गाइस यहाँ पे अभी से पहुंच चुका है और विजय जी भी है, जो आपको दुर्गा पूजा में जिन्होंने आपको ज्ञान की बातें की थी, विजय जी भी आ गए यहाँ पर। और बस चाची और सिमरन का वेट कर रहे हैं और भाभी भी नहीं आई है, ये तीनों आ जाए तो हम शुरू करते हैं, या फिर नहीं आएंगे तो फिर हमें भोग ला के पूजा करनी है, टाइम ज्यादा हो रहा है। और बाहर जाके हमें भंडारा ही बांट, मतलब प्रसाद बांटना, भंडारा तो हम क्या करेंगे, प्रसाद बांटेंगे बाहर जाके। A few moments later. तो गाइस अब हम तैयारी कर हो गई है सारी, सब आ गए हैं और जो आएंगे बाद में मत्था टेक लेंगे, बनी रहेगी उनकी भी कृपया जो बाद में आएंगे, क्योंकि तीन तीन जने अभी नहीं आए हैं और दो और पड़ोस में से नहीं आए हैं, तो अब हम कर रहे हैं भोग लगा रहे हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, बाहर मंदिर में भी जाना है और सीमा की होगी आज छुट्टी, एक बजे जाने वाली थी वैसे तो, वही कल भीग गई थी तो तबियत ठीक नहीं है इसलिए मम्मी ने रोक दिया। तो गाइस चल करते हैं शुरू। तो गाइस आज हम आदि नित्य नियम का पाठ करेंगे। आदे वाल्मीकाय नमो नमः, वाल्मीकाय नमो नमः, आदे वाल्मीकाय नमो नमः, आदे वाल्मीकाय नमो नमः। वा अक्षर का वास है, ला में लोक पर लोक, माँ मन में जो खोजता का कर देता मोक्ष, लेकर मन के चारिये त्यागा ध्यान लगाए, सुरती शब्द को मेल कर तुम्हारा दर्शन पाए। वा अक्षर का वास है, ला में लोक पर लोक, माँ मन में जो खोजता का कर देता मोक्ष, लेकर मन के चारिये दर्शन पाए। मोक्षवान गुरु वाल्मीकि की जय। दयावान की जय, जय वाल्मीकि, जय वाल्मीकि, जय वाल्मीकि, जय वाल्मीकि, जय वाल्मीकि, जय वाल्मीकि, जय वाल्मीकि। तो गाइस भोग लग चुका है, एक्चुअली हम सब सुबह से भूखे हैं इसलिए भोग लगा दिया है और अब प्रसाद का वितरण होगा। जय वाल्मीकि, 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 जय वाल्मीकि। तो गाइस आज हमने मीठे में हलवे का भोग लगाया है और जो सबके लिए बनाया है प्रसाद बांटने के लिए और खाने के लिए, वो है वेज बिरयानी और रायता। तो आज हमने थोड़ा डिफरेंट किया है, आप कमेंट करके बताना कैसा लगा ये प्रसाद, ठीक है या नहीं है, हमें तो नहीं पता। वेज बिरयानी नाम की कोई चीज नहीं है। क्या बोला तूने? पंडित जी आए हैं, ये क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो बताओ, हमारे व्यूअर्स को बताओ। मैं नहीं कहना चाह रहा हूं कि वेज बिरयानी नाम की कोई चीज नहीं होती है इस दुनिया में, बट हमने वेज बिरयानी बनाई है गाइस प्रसाद के तौर पे, उसमें जो भी डलता है ना गड़म सगड़म। तू समझा? हां नहीं तू समझा नहीं, डाल के वेज डाला है। चलो हम दिखाएंगे आपको, बताना क्या है ये। और अभी चलेंगे मंदिर, मंदिर में भी थोड़ा प्रसाद बांटेंगे, मत्था टेक के आएंगे मंदिर में भी। तो हमने पुलाव का भोग लगाने के लिए पांच कन्या बिठा दिए और भी बुलाई है और आ जाएगी, तो पहले पांच हो गई है तो इनको पुलाव खिलाएंगे पहले, फिर हम भी खाएंगे, भूखे हैं सुबह से, खा लेंगे। तो क्या नाचोगे गाइस? यहाँ पे कन्या आ गई है, लड़कियां मतलब, और इनको पहले देते हैं फिर देंगे। मम्मी ये भी रखो, ये रहना दो, ये रखो, ये लो, पकड़
जैसा कि मैंने आपको बताया था, रायता और वेज बिरयानी तो ये दे दिए इनको, अभी खा रहे हैं बच्चे, फिर हम लोग भी खा लेंगे, टाइम खत्म हो गया सर, फिर मिलते हैं आपको। हेलो, मैं भाई चंद्रकांत भाई के यहाँ पे हूँ। A few moments later, तो गाइस इन्होंने खा लिया है, खा रहे हैं और बहुत बता रहे हैं, बहुत टेस्टी बना है प्रभु की कृपया से। और यहाँ पे देखो पंगत लग चुकी है गाइस, बैठे हैं और ये इनको भी देंगे, ये बताएंगे वे कैसा है। तो गाइस यहाँ पे पंगत प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं सब, पानी दे, ए तन्नू पानी दे, पानी क्या बेटा, पानी दे दे, पानी आ जा, उठ जा मैं, और इसका एक और मतलब छोटे से बहुत हो रहा था, कितनी लेट आए हैं देखो ये सब, लेट आए हैं, और यहाँ पे चाची और सिमरन भी आ चुके हैं और मुस्कान टू भी आ चुकी है, मुस्कान वन अभी रह रही है आनी। तपन जी आ गए हैं अपने रिश्तेदार के साथ, ये मेरा भी रिश्तेदार है, इसका भी रिश्तेदार, बताइए कुछ कुछ कह रहे थे आप। तो जो ये पुलाव बनाए गए ये बहुत अच्छा प्रसाद जो कि ग्रहण किया गया है, ये पंडित जी ऐसे है बिरयानी को बिरयानी नहीं मान रहे हैं, पुलाव मान के खा रहे हैं, इसका तो जायका है एकदम, मतलब प्रसाद नाम अगर मिल जाए तो पट में अपने आप ही अच्छा हो जाता है। और डालना मम्मी इसमें भाई, यहाँ पे सब आ गए, हटाना यहाँ से, हटा दो ना, एडजस्ट करो आप सभी, घर छोटा है मगर भगवान की दया से दिल बहुत बड़ा है। विपन जी भी आ गए हैं हमारे सरमार से अंदर आते हुए तपन जी की तरह, और जैसे कि हमारे भाई ने कहा घर छोटा है तो मैं यही कहना चाहूंगा, मैंने महल भी देखे लेकिन वो घर नहीं है, घर वही है जहाँ पे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो घर कोई भी जगह सुंदर नहीं होती है, जगह लोगों से बनती है, जहाँ अच्छे लोग होते हैं वो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। लेडीज पंगत अभी खड़ी है, जेंट्स पंगत उठेगी तो ये पंगत विराजेगी यहाँ पर, प्रसाद ग्रहण करेंगे फिर ये भी। और आपको पता है देखो लेडीजें खड़ी है, जहाँ पे चार लेडीजें खड़ी हो जाए वहाँ पे बतों की लाइन लग जाती है, तो यही हाल हो रहा है देखो यहाँ पे बाहर। यहाँ पे महिला पंगत खड़ी है अभी विराजेगी, अभी जगह खाली कर रहे हैं अभी थोड़ा घर में, फिर ये आएंगे, ये भी विराजेंगे, प्रसाद देंगे इनको भी। लेट आए हैं वैसे, लेट आने का ये नतीजा होता है देखो, वेट करना पड़ रहा है, पहले आते पहले पाते। तो ये बंदा भी आया है, ये अपनी बुआ को लेके नहीं आया, इसकी बुआ को इनवाइट किया था मैंने। और मुस्कान भी आ गई है, सिमरन सब बैठे हैं, और चाची यहाँ बैठी है, तन्नू भी बैठी है, भी आ गए हैं पड़ोसी मेरे, बर्बर की दुकान पे काम करते हैं, और इस बंदे को जानते ही हो, उसकी बुआ को लेकर नहीं आएगी। भाई चाचा ही पहुंच चुके हैं यहाँ पर, ये तन्नू है। तो गाइस सबको खाना खिला दिया है, अब हमारा नंबर आ गया, सीमा मैं और मम्मी रह गए, हम खाते हैं। और मोनिका का आज फास्ट है क्योंकि इनकी है लौकी पूजा, जैसे कि मैंने बताया था आपको, इसलिए इनका फास्ट है, ये तो खा नहीं रहे, और इसलिए मेरी सास भी नहीं आई है अभी तक, वो पूजा की तैयारी कर रहे हैं, आएंगे अभी तक नहीं आए हैं, तो पूजा की तैयारी कर रहे हैं घर में, तो हम खा लेते हैं और फिर चलेंगे मंदिर में, मंदिर के दर्शन करेंगे, पहले पेट पूजा उसके बाद काम दूजा। ये बढ़िया था गुरु। गाइस यहाँ पे हमारी आंटी आ गई है, लाभी की नानी, और कौन आया है, जतिन, चिट्टी कहाँ है, चिट्टी नहीं आई क्यों, अच्छा इनके घर में भी पूजा है इस वजह से सब नहीं आए हैं, आंटी और जतिन आए हैं बस। जय वाल्मीकि, जय वाल्मीकि, जय वाल्मीकि, जय वाल्मीकि, जय वाल्मीकि। गाइस देखो हमारी आंटी कितनी सुंदर लग रही है, दिखाओ।
मुंह चला रही है, आंटी ने इसको चॉकलेट दी है, कहते हो कितनी छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची हो क्या? हाँ बोलो, आप क्या बोल रहे हो? राइस भाई भी यहाँ पे खाना खा रहा है, प्रसाद खा रहा है। जतिन यहाँ पे हमारी भाभी आ गई है, इन्हीं का इंतजार कर रहे थे, मुस्कान भाभी। और आंटी हमारा और व्रत मिला होते हुए जैसा कि हमारी भाई बहुत लेट आई है, कपड़े धोने लग गई थी ये, और अब ये भी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तो और इसके बाद सब जब खा लेंगे फिर चलेंगे मंदिर में, फिर मंदिर में दर्शन करके आएंगे, तो फिर प्रसाद वितरण करेंगे, बांटेंगे। Later that same evening. तो गाइस अब हमने खाना वाना सबने खा लिया है, और सब अब हम सब जा रहे हैं मंदिर में, जा रहे हैं मत्था टेकने, और वहीं पे प्रसाद ही बांट देंगे। जो बाहर बांटना है प्रसाद, सबने प्रसाद ग्रहण कर लिया, बाहर बांटेंगे, चलते हैं मंदिर में। भोगों को हमने लगा दिया, क्योंकि बात तो देखिए यहाँ लगाए मंदिर में लगाए, घर एक मंदिर है, तो घर में हमने भोग लगा दिया है, अब जाएंगे मंदिर में मत्था टेकने, और सब तैयार है देखो यहाँ पे, बस अभिषेक का वेट कर रहे हैं, अभिषेक आ जाए, चलते हैं मंदिर में। तो भाई यहाँ पे देखो अपना तफरी बच गई है, सिमरन को ड्यूटी दे दी है रायता बांटने की, और ये रायता है, रायता की बाटी मम्मी ले रही है, और प्रसाद है, प्रसाद का डेक जो है अभी अभिषेक आ रहा लेके जाएगा, और हम चल रहे हैं मंदिर में और बांटते हैं प्रसाद।